मोस्ट मेरे ख्याल में फेवरेट एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन इज कनाडा. एज कितना मैटर करती है आदिल? कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आपके लिए मुश्किल है इमिग्रेट करना. इज दिस ट्रू? अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हैं किसी भी मुल्क के लिए तो वो प्रोसेस और ज़्यादा टीडियस है. उसके लिए यकीनन आपको सर्विसेज की, आपको सपोर्ट की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है. आज के जो हमारे मेहमान हैं यकीनन ही कैन रियली हेल्प यू आउट. इनका नाम है जी आदिल इस्माइल और ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, सीईओ हैं सुपीरियर कंसल्टेंट के. अस्सलाम वालेकुम आदिल. वालेकुम सलाम सिद्रा. क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. इट्स अ प्लेजर. मुझे बताएं सबसे पहले अगर हम सुपीरियर कंसल्टेंट के ही हवाले से बात करें, मोस्ट मेरे ख्याल में फेवरेट एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन इज कनाडा. उसमें एज कितना मैटर करती है आदिल? कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आपके लिए मुश्किल है इमिग्रेट करना. इज दिस ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है, बट मैं कुछ थोड़ा सा इसमें और एड अप जरूर करूंगा कि अगर आप 45 एंड अबव हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू गेट. अगर हम स्पेसिफिकली स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करें, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इमिग्रेशन, तो उसके अंदर तो आप जा सकते हैं, 55 एंड अबव भी जा सकते हैं और आप हासिल कर सकते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी तादाद है वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की है, तो उसके अंदर अगर 42 और 43 तक भी है तो कुछ चांसेस मौजूद हैं और हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसमें से एक प्रोग्राम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के नाम से भी है, जहाँ पर प्रोविंसेस रिक्रूट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, क्योंकि वो बेसिकली चाहते हैं कि लोग आएँ और उनको उनकी इकोनॉमी को जिन्हें बूस्ट करे. हर बंदा जाकर टोरंटो में जो है जाकर ना रहे नहीं सकता. हाँ, तो इसलिए 42-43 ईयर्स के ऊपर भी लोग अगर अच्छा प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन हैं और वो मीटअप कर रहे हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वगैरह को, तो उस एज तक भी आप जा सकते हैं और माइग्रेट हो सकते हैं. आप बेहतर जो है वो प्रोविंसेस के लिए अपना इंतज़ार करें, क्योंकि सिस्टम जितने भी स्किल्ड इमिग्रेशन हैं या बिजनेस इमिग्रेशन भी अगर हम देख लें खासतौर पर कनाडा के लिए, तो ये बैलेटिंग सिस्टम के ऊपर ही है. जो जिसकी प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि देखिए हर बंदा मैं और आप हैं फॉर एग्जांपल, और हमारा एक प्रोफेशन सेम है और हम पॉइंट्स भी अगर सेम बना रहे हैं, तो लेकिन देखना पड़ेगा कि प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स और किसकी बेहतर है. उसको पहले इन्वाइट किया, इट्स अ इन्विटेशन सिस्टम. इन्वाइट करेंगे तो ही आपको जो है वो वहाँ पर जाकर सुकूनत अख्तियार करनी होगी और अपनी फैमिली को जो है वो आप एकम्पनी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली.